हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे बाज बहादुर चंद। प्रीवियस वीडियो में हमने 49 शासक पूरे पढ़ लिए थे चंद शासन के, और आज है 50वां शासक बाज बहादुर चंद। 1638 से 78 तक इसका समय रहा शासनकाल का। तो शाहजहाँ क्या था? एक मुग़ल बादशाह था जो कि दिल्ली में था, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद शाहजहाँ से मिलने गया, तो शाहजहाँ ने इसको महाराजाधिदेव की उपाधि दी, या फिर महाराजाधिराज की उपाधि, ठीक है। तो इसको शाहजहाँ से बाज बहादुर चंद को महाराजाधिदेव की उपाधि मिली, और इसने सुलेमान सिको को शरण दी, जिसके कारण औरंगजेब ने इसको धमकी दी थी कि सुलेमान सिको को शरण मत दो, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद ने सुलेमान सिको को शरण दी क्योंकि वो वहाँ से भाग के आया था गढ़वाल में। और सुलेमान सिको जो है दारा सिको का पुत्र था। दारा सिको जो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था औरंगजेब के साथ, तो दारा सिको उसमें हार जाता है और सुलेमान सिको वहाँ से अपने प्राण बचा के गढ़वाल में उत्तराखंड में आ जाता है, और बाज बहादुर चंद से वो मिलता है, तो ये उसको अपनी शरण दे देता है, ठीक है। तो इसी वजह से औरंगजेब बाज बहादुर चंद को धमकियां देता है। अब बाज बहादुर चंद के समय तराई का प्रबंधन कैसा था? जिसके अंतर्गत तराई में जा बजा अफसर की नियुक्ति की गई। तो बाज बहादुर ने तराई क्षेत्र में जा बजा अफसर की नियुक्ति की, ठीक है। कुमाऊं में नया दरबारी ढंग शुरू किया। तो ये दिल्ली जाता रहता था मुग़ल बादशाह से भेंट करने बाज बहादुर चंद, तो उनका जो दरबारी ढंग है उसको देख के ये प्रेरित होता था। तो फिर इसने अपने यहाँ भी दरबारी ढंग कुछ कुछ उसी तरीके से बनाना शुरू कर दिया। जो पहले के राजा थे उन्होंने तो एक जैसा दरबारी ढंग रखा, लेकिन पहली बार चंद शासक में इसने जो है अपना दरबारी ढंग में जो है बदलाव शुरू किए, और जजिया कर घोषित किया तथा उसे लगातार दिल्ली दरबार भेजा जाता था। जजिया कर जो वहाँ मुग़ल बादशाह ने जजिया कर लगाया था, जजिया कर किस पे लगता था? जो गैर मुस्लिम है, मतलब जो हिंदू हैं और जो और समाज और जाति के जो लोग इंडिया में रहते थे, भारत में रहते थे, मतलब जो मुस्लिम नहीं थे उन पे ये जजिया कर लगाया जाता था। तो इसने भी यहाँ भी जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ तो मुस्लिम तो थे नहीं, यहाँ सबको ही जजिया कर देना पड़ता था, और ये सारा जो जजिया कर है वो लेके वो दिल्ली दरबार में भेजा जाता था। नंदा देवी की स्थापना की, इसने नंदा देवी की स्थापना भी कराई, और तिब्बत यात्रा भी इसी ने शुरू करवाई थी। और बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाले एकमात्र चंद शासक था, और इसका पिता जो है नीलू गुसाई था। ये नीलू गुसाई का बेटा था, ये पहले चरवाहा का काम करता था और एकदम से ये राजा बन गया, पर इसको राजकाज संभालना इतने अच्छे से नहीं आता था। ये मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना, चांदी के बर्तन आदि लेकर शाहजहाँ के दरबार पहुँचता था, ठीक है। तो इसने शाहजहाँ को खुश करने के लिए, क्योंकि ये उनसे जो है अपने संबंध अच्छा रखना चाहता था, तो इसीलिए ये जो गढ़वाल में जो चंवर है और कस्तूरी क्या है, उत्तराखंड की एक बहुत ही मूल्यवान है कस्तूरी मृग जो होता है, उसी से हमें कस्तूरी मिलती है, ठीक है। तो कस्तूरी, चंवर और सोना चांदी के बर्तन जो है वो वहाँ भेंट लेके गया। चंवर क्या होता है? जो नील गाय होती है उसकी पूँछ से जो चंवर बनता है, तो उसे ही चंवर कहते हैं। चंवर इस प्रकार का होता है, ऐसे यहाँ पे पकड़ने के लिए, तो मतलब चंवर से हम जैसे किसी में हवा करने के लिए, तो राजाओं के पास जो ये गढ़वाल के राजा हिंदू राजा थे, तो उनकी दासियों के हाथ में ये चंवर दिखता था, वो राजा पे हवा करती थी उससे, ठीक है। और 84 माल तराई भाबर पर इस समय कटेहर राजपूतों का अधिकार हो गया था। जो कटेहर राजपूत थे, जो 84 माल जो तराई भाबर था, तराई वाला भाबर, तो उसमें इनका अधिकार हो गया था। 84 माल नौ लखिया माल, जहाँ से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख की आय होती थी। तो 84 माल जो तराई भाबर की जो जगह है वहाँ से इनको
प्रतिवर्ष 9 लाख की आय होती थी, मतलब बहुत अच्छी जो जगह थी तो वहाँ से मतलब बहुत उपजाऊ ज़मीन थी, 9 लाख रुपए एक साल में कमाते थे। शाहजहाँ ने बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दिया था और बाज बहादुर चंद के पंवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल में अल्मोड़ा में स्थापित की। तो बाज बहादुर चंद जब परमार राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है, मतलब परमार राज्य को हरा देता है, तो उस खुशी में इसने जो नंदा देवी की मूर्ति थी, माँ नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल में थी, तो ये इसको गढ़वाल से लेकर अल्मोड़ा गया और इसने वहाँ स्थापित की। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजवंशों रजवारों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई, जिनको भगाने के लिए तीलू रौतेली ने प्रयास किया था। तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया, जो कत्यूरी रजवारे गढ़ थे, ठीक है, जैसे मनीलागढ़ हो गया, उस पर आक्रमण किया और जो कत्यूरी जो कुंवर थे, कुंवर मतलब होता है कत्यूरी राजकुमार जो थे, तो उन्होंने क्या किया कि गढ़वाल का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें लूटपाट मचाना शुरू कर दी। ठीक है, तो उनको भगाने के लिए तीलू रौतेली ने प्रयास किया था। तीलू रौतेली एक वीरांगना है उत्तराखंड की, इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो हम जो उत्तराखंड के जो भी क्रांतिकारी रहे उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, वीडियो सीरीज चलाऊंगी इनके बारे में। तो जो भी हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारी हैं, ऐसी वीरांगनाएँ हैं तीलू रौतेली जैसी और गौरा देवी जैसी, तो इनके बारे में हम उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुड्डियों का दमन किया और मानसरोवर यात्रा व भूटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त किया। मानसरोवर जो यात्रा थी, बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके क्या किया, हुड्डियों का दमन किया और मानसरोवर यात्रा व भूटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त किया। ठीक है, तो वहाँ क्या थे, जो भूटिया लोग थे, जो वहाँ तिब्बत के जो लोग थे, वो इन भोटिया व्यापार जो मानसरोवर यात्रा करते थे, जो व्यापारी थे, तो उनको ये बहुत परेशान करते थे। तो फिर उन्होंने बाज बहादुर चंद मतलब राजा को बोला कि हमें यात्रा करने में परेशानी हो रही है, तो वहाँ जो तिब्बत के लोग हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं। तो इसने क्या किया, उनको हराया और उनको वहाँ से हराया और भोटिया व्यापार को जो था वो सुचारू रूप से शुरू करवाया। तो बाज बहादुर चंद कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए गूंट भूमि का दान किया, तो थोड़ी सी जो भूमि थी इसने उसका भी उनके लिए दान किया यात्रियों के लिए। पिथौरागढ़ में थल में एक हथिया देवाल बाज बहादुर ने बनाया तथा जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। तो एलोरा में जो एक कैलाश मंदिर है उसके समान इसने क्या बनाया, एक हथिया देवाल बाज। ठीक है, पिथौरागढ़ में थल नामक एक जगह है, तो वहाँ इसने बनाया था। इसके इसने भोटियों तथा बूढ़ियों पर सिरती नामक कर लगाया था। सिरती एक नगद कर होता है जो जनता राजा को नगदी के रूप में देती थी। ठीक है, बाज बहादुर की उम्र के अंतिम वर्षों में बाज बहादुर को एक लोगों ने कहावत दी थी, जो गढ़वाल के लोग थे, तो इन्होंने इसको एक कहावत दी, बरस भयो 80 बुधी गई नसी। बरस भयो 80 मतलब ज़्यादा उम्र का जो था ये, तो बुद्धि गई नसी मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी। ठीक है, तो आज हमारा कंप्लीट हो गया है बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद के बारे में कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अघोत चंद। बाज बहादुर चंद के बाद 51वां राजा है। तो मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।